नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कोडिंगेटर पे एक बहुत ही बेसिक सी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि कोडिंगेटर को किस तरह से डाउनलोड करते हैं, किस तरह से उसे इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से इसमें एक फॉर्म को वैलिडेट करते हैं, किस तरह से एक फॉर्म बनाते हैं, और इसमें किस तरह से रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं, किस तरह से रिकॉर्ड को एडिट करते हैं, किस तरह से रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं और किस तरह से रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं। तो ये छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम लोग आज इसमें सीखेंगे। सो इसके लिए मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें कवर हम लोग करेंगे। सो एक बार उसको देख लेते हैं। ये हमारी वीडियो सीरीज रहेगी, जिसका नाम होगा कोडिंगेटर बेसिक ट्यूटोरियल, और इसका पहला टॉपिक होगा हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल कोडिंगेटर, किस तरह से कोडिंगेटर को डाउनलोड करते हैं और उसे किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, हाउ टू रिमूव इंडेक्स डॉट पी एच पी इन कोडिंगेटर, हाउ टू वैलिडेट अ फॉर्म इन कोडिंगेटर। सो ये तीन टॉपिक हम लोग फर्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। सेकेंड ट्यूटोरियल में हमारा जो टॉपिक होगा वो रहेगा हाउ टू इंसर्ट इन कोडिंगेटर, कोडिंगेटर में इंसर्ट किस तरह से करते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू सेलेक्ट और फेच रिकॉर्ड इन कोडिंगेटर, कोडिंगेटर में रिकॉर्ड को किस तरह से सेलेक्ट या फेच करते हैं। चौथा हमारा जो टॉपिक रहेगा या चौथा जो वीडियो रहेगा उसमें क्या होगा, हाउ टू एडिट और अपडेट अ रिकॉर्ड इन कोडिंगेटर, कोडिंगेटर में एडिट रिकॉर्ड कैसे करते हैं, या फिर कह लो आपकी कोडिंगेटर में रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करते हैं, ये सीखेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा उसमें ये हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू डिलीट अ रिकॉर्ड इन कोडिंगेटर, कोडिंगेटर में एक रिकॉर्ड को किस तरह से डिलीट करते हैं। तो ये इस वीडियो सीरीज़ में हमारे 5 वीडियोज़ रहेंगे, जिसमें हम बहुत ही बेसिक सी चीज़ें सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। सो सबसे पहले हम लोगों को कोडिग्नाइटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, codeigniter.com, और यहाँ पर हमें डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पर हम लोगों को ये तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे, codeigniter 4, codeigniter 3 और codeigniter 2। सो हम लोगों को codeigniter 3 वाला यूज़ करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। और इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग को एक जिप फोल्डर मिल जाएगा। अब वो फोल्डर कैसा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का ये फोल्डर होगा। BCIT CI कोऑर्डिनेटर, और इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ फोल्डर कॉपी कर लेना है। और कॉपी कर लेने के बाद में क्योंकि मैं ज़ैम्प यूज़ कर रहा हूँ, तो ज़ैम्प में हमारा जो वर्किंग फोल्डर होता है जहाँ पर हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स डालते हैं HTDocs में, तो मैंने ये ऑलरेडी काम कर लिया है और वहाँ पर मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी बना लिया है और वहाँ पर ये सारी फाइल्स मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डाल दी हैं। तो फोल्डर का नाम है प्रोजेक्ट, तो ये फोल्डर है प्रोजेक्ट नाम का, और इसमें मैंने ये फाइलें ऑलरेडी डाल दी हैं जो कि मैंने डाउनलोड की हैं कोडिनेटर की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर जाना है URL में और यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के बाद हम लोग को लिखना है अपने प्रोजेक्ट का नाम। सो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट, क्या नाम है ये प्रोजेक्ट, HTDocs में क्या नाम है इसका, प्रोजेक्ट। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्रोजेक्ट। अगर हम लोग को कुछ ऐसा स्क्रीन देखने को मिलता है तो इसका मतलब होगा कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेटर को सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है। और इसके बाद की कुछ एक कॉन्फ़िगरेशंस हैं सेटअप करने के बाद भी, जैसे कि हम लोग को डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना होता है, वो हम लोग करेंगे। वो कैसे करना है, तो उसके लिए पहले हम लोग का काम ये होगा कि हम लोग एक डेटाबेस बना लें। तो इसके लिए हम लोग खोलेंगे PHP My Admin, लोकल होस्ट PHP My Admin, और यहाँ पर हम लोग एक डेटाबेस बना लेंगे। तो ये खुल चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हम लोग डेटाबेस बना लेते हैं और इसका मैं नाम दे देता हूँ Project 1, Project_1। सो Project 1 हमारा ये बन गया है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रोजेक्ट फोल्डर है इसको हम लोग सबलाइन में कर लेंगे।
सबलाइन में हम लोगों ने इसको ड्रैग कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, कॉन्फ़िग फोल्डर पे क्लिक करना होगा, एप्लीकेशन में जाएंगे और एप्लीकेशन में कॉन्फ़िग में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग ये कॉन्फ़िग वाला फाइल खोलेंगे। और पहला काम हमारा यहाँ पर ये होगा कि हम लोग बेस यूआरएल सेट कर दें। बेस यूआरएल के लिए हम लोग यहाँ पर ये जो लोकल होस्ट और प्रोजेक्ट तक का यूआरएल है इसको हम लोगों को कर लेना होगा कॉपी, और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम इसको कर देंगे पेस्ट। ओके सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे डेटाबेस में यहाँ पर और डेटाबेस की सेटिंग्स यहाँ पर कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पर जो डेटाबेस की सेटिंग्स हैं उसको चेंज करना होगा। सो होस्ट नेम में हमारा लोकल होस्ट ही रहेगा, यूज़र नेम में हमारा हो जाएगा रूट, पासवर्ड हमारा रहेगा ब्लैंक और डेटाबेस में हम लोग लिखेंगे अपने डेटाबेस का नाम। सो हम लोगों ने डेटाबेस बनाया है प्रोजेक्ट _1। ओके और इसके बाद हम लोग ऑटो लोड फाइल खोल लेंगे और ऑटो लोड में जो भी हमारी जो फाइलें हमारी एसेंशियल हैं, जो इम्पोर्टेंट फाइलें, उनको हम ऑटो लोड पर लगा देंगे जिनका हमें प्रोजेक्ट में बार बार यूज़ करना होगा। सो इसके लिए जैसे कि हम लोग को लाइब्रेरीज कुछ ज़रूरत रहेंगी। सो जैसे कि हमारा डेटाबेस है तो हम लोग को डेटाबेस चाहिए रहेगा, तो डेटाबेस को मैं ऑटो लोड पर लगा दिया है। और इसके बाद हम लोग सेशन को भी हम लोग ऑटो लोड पे लगा देंगे इसी तरह से। सो हमारे डेटाबेस और सेशन जो लाइब्रेरी हैं ये दोनों ऑटो लोड पे लग गई हैं। और इसके बाद हम लोग को एक यूआरएल हेल्पर भी ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको भी हम लोग ऑटो लोड पे लगा देते हैं। ओके सो ये बेसिक सी सेटिंग्स हो गई जो हम लोग को करनी थी। सो डेटाबेस की सेटिंग्स हो गई हमारी, ऑटो लोड पे हम लोगों ने कुछ एक लाइब्रेरी से उनको ऑटो लोड पे लगा दिया है। अब हम लोग इसको चला करके देखेंगे, अगर कोई एरर नहीं आती है दैट मीन्स कि हम लोग की डेटाबेस की सेटिंग्स सही से प्रॉपरली सेट हो चुकी हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना था, हम लोगों ने डाउनलोड और इंस्टॉल तो कर लिया कोडिंगनेटर, डेटाबेस भी बना लिया। अब हम लोग को क्या करना है, हाउ टू रिमूव इंडेक्स डॉट पी एच पी इन कोडिंगनेटर, कोडिंगनेटर से इंडेक्स डॉट पी एच पी कैसे रिमूव करते हैं। अगर हम ब्राउज़र में जाएँ, सो ब्राउज़र में आप देखोगे तो कुछ ऐसा स्क्रीन दिख रहा है। सो ऐसा स्क्रीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोगों का एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर चल रहा है इसमें और एक डिफ़ॉल्ट व्यू यहाँ पर खुल रहा है। सो बेसिकली आप जो देख रहे हो ये वेलकम कंट्रोलर चल रहा है जो कि कोऑर्डिनेटर का डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होता है। सो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग पहले चलते हैं रूट्स में। तो रूट्स में अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर में लिखा हुआ है वेलकम। सो वेलकम कंट्रोलर यहाँ पर रन कर रहा है। ओके सो ये कंट्रोलर्स के अंदर आप देखो, एप्लीकेशन में जाओ और एप्लीकेशंस में कंट्रोलर्स के अंदर देखो तो ये वेलकम कंट्रोलर, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो आप ये देखो ये ब्लैंक हो गया यहाँ पर। सो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेटर में जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर चल रहा है वो वेलकम कंट्रोलर चल रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि इसके यूआरएल स्ट्रक्चर की। सो बेसिकली कोऑर्डिनेटर में क्या होता है, अगर हम लोग को कोई भी कंट्रोलर चलाना है तो उसके लिए हम लोग को यूआरएल में इंडेक्स डॉट पी एच पी लिखना मैंडेटरी होता है। सो सबसे पहले हम लिखते हैं अपने कंट्रोलर का नाम इंडेक्स डॉट पी एच पी के बाद, तो हमारे कंट्रोलर का नाम हो गया वेलकम और इसके बाद हम लिखते हैं इंडेक्स, इंडेक्स या आप कह लो मेथड का नाम। सो बेसिकली मैं यहाँ पर इसके एक मेथड का नाम लिख रहा हूँ वेलकम कंट्रोलर के इंडेक्स। सो इसलिए ये पेज यहाँ पर दिखा। अभी मैं इसमें एक और फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पर, पब्लिक फंक्शन, और मैं इसका नाम देता हूँ टेस्ट। ओके और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इको हाय, और यहाँ पर मैं टेस्ट लिखूँगा तो देखना वो मेथड चल जाएगा। सो ये हो गया इंडेक्स डॉट पी एच पी, फिर ये हो गया हमारे कंट्रोलर का नाम और फिर ये हो गया हमारे मेथड का नाम। सो अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, सो मैंने इंडेक्स डॉट पी एच पी यू आर एल से हटा दिया तो ये चलना बंद हो जाएगा। सो इसलिए ही हम लोग कोशिश करते हैं कि इंडेक्स डॉट पी एच पी यू आर एल से हटा दें। सो उसको हटाना बहुत ही आसान होता है और इसके लिए क्या करना होगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। सो सबसे पहले हम लोग गूगल पर जाएंगे और गूगल पर सर्च करेंगे हाउ टू रिमूव इंडेक्स डॉट पी एच पी इन कोडिंगनेटर। सो
कोऑर्डिनेटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही एक सॉल्यूशन दिया हुआ है कि जिसके थ्रू हम लोग इंडेक्स डॉट पी एच पी रिमूव कर सकते हैं। ओके सो हम लोग यहाँ पर ये जो कोड दिया हुआ है इस कोड को कर लेंगे कॉपी, और इसके बाद हम लोग जाएंगे रूट प्रोजेक्ट में, और रूट पे यहाँ पर एक हम लोग फाइल बना लेंगे एच टी एक्सेस की, एच टी एक्सेस। और एच टी एक्सेस फाइल में हम लोग ये कोड जो हम लोगों ने कॉपी किया है इसको यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रीराइट बेस, और रीराइट बेस में हम लोग यहाँ पर अपने सब फोल्डर का नाम लिख देंगे। तो हमारे सब फोल्डर का नाम है प्रोजेक्ट। किस सब फोल्डर की बात कर रहे हैं? मैं इस सब फोल्डर की बात कर रहा हूँ, इसकी प्रोजेक्ट। सो ये हम लोग को कॉपी कर लेना है और हम लोग को यहाँ पर लिख देना है। ओके, और एक काम करना है हम लोगों को, यहाँ इंडेक्स डॉट पी एच पी यहाँ से हटा देना है। अब मैं इसको फिर से चलाने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया है आई थिंक, एच टी एक्सेस। ओके, रीराइट के आई थिंक रीवराइट की स्पेलिंग गलत हो गई, तो रीवराइट की स्पेलिंग अब सही हो गई है वहाँ पर। सो अब आप देखो तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को इंडेक्स डॉट पी एच पी नहीं लिखना पड़ा, और फिर भी हमारा जो कंट्रोलर है वो चल रहा है। सो ये तरीका होता है इंडेक्स डॉट पी एच पी रिमूव करने का। सो नेक्स्ट, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि हाउ टू वैलिडेट ए फॉर्म इन कोडिग्नेटर, कोडिग्नेटर में एक फॉर्म किस तरह से वैलिडेट करते हैं।